दोस्तों ये वीडियो में बताऊंगा कैसे OnePlus 4 में कॉलर स्क्रीन चेंज कर सकते हो या फिर किसी भी कंपनी के डिवाइस में कैसे कॉलर स्क्रीन बदल पाओगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कॉलर स्क्रीन होता क्या है, और मैं आपको बता दूं ये फ़ोन में पहले से मैंने कॉलर स्क्रीन चेंज कर लिया है। एक बार ये फ़ोन में कॉल करके कॉलर स्क्रीन दिखा देता हूँ। और ये कॉलर स्क्रीन देखिए आईफोन स्टाइल कॉलर स्क्रीन है, और आईफोन में ऐसा ही कॉलर स्क्रीन होता है। यहाँ से कॉल रिसीव करना है और यहाँ पर क्लिक करके कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आईफोन में ऐसे ही कॉल कट करते हैं। दोस्तों वन प्लस और दूसरे कंपनी के डिवाइस में जो डिफ़ॉल्ट कॉलर स्क्रीन होता है वो काफ़ी बोरिंग होता है। अगर आप फ़ोन के कॉलर स्क्रीन में कुछ यूनिक और डिफरेंट करना चाहते हो, आईफोन स्टाइल कॉलर स्क्रीन सेट करना चाहते हो, सब कुछ जानने के लिए तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए कॉलर स्क्रीन। दोस्तों ये छोटा सा कमेंट लिख कर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों किसी भी कंपनी के फ़ोन में कॉलर स्क्रीन चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको, और ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने को मिलेंगे। नीचे देखिए ऑप्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट डायलर में सेट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और ये परमिशन अलाउ कीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद डायलर ओपन होगा, फिर नीचे देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन है सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अपीयरेंस, अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इनकमिंग कॉल स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए फोटो स्टाइल। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके फोटो स्टाइल जो भी आपको सेट करना हो यहाँ से देखिए आपको सेट कर लेना है। अगर आप ये सिलेक्ट करोगे यहाँ पर इस तरीके से ये फोटो आएगा, तो जो भी आपको यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना हो यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं ये सेट करूँगा, फिर आंसर स्टाइल यहाँ पर क्लिक करके आंसर स्टाइल में आपको ये सेट करना, जैसे यहाँ पर देखिए आईफोन, ये आईफोन स्टाइल है। देखिए यहाँ पर ये आईफोन में कुछ इस प्रकार से ये कॉल स्क्रीन होता है। अगर आप चाहो यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो। गूगल, यहाँ पर देखिए गूगल स्टाइल, ये गूगल में ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हवाई फ़ोन में, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा कॉल स्क्रीन। अगर आप चाहो यहाँ से एसएस का भी कर सकते हो, देखिए एसएस में इस प्रकार से ये कॉलर स्क्रीन रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर आईफोन का बताया था, तो यहाँ से मैं आईफोन सेलेक्ट करूँगा, आईफोन सेलेक्ट कीजिए, फिर नीचे देखिए ऑप्शन है स्मूथ फेड, अगर आप चाहो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। नीचे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फुल स्क्रीन मोड, यहाँ से फुल स्क्रीन मोड इसे भी सेट कर सकते हो। बस आपको ये छोटा सा सेटिंग करना होगा। अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको कॉल करके कॉलर स्क्रीन फिर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आईफोन स्टाइल में ये कॉलर स्क्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से किसी भी फ़ोन में आईफोन स्टाइल कॉलर स्क्रीन सेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अपने हिसाब से आप कॉलर स्क्रीन सेट कर लेना। तो ये आईफोन स्टाइल है और यहाँ से कॉल रिसीव कर सकते हो, देखिए कॉल यहाँ पर रिसीव हो गया और यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।